दोस्तों, मेरा नाम अरीब, आप देख रहे हैं टेक। दोस्तों, आज हम वीडियो बना रहे हैं रेडमी बुक प्रो और रेडमी बुक ई लर्निंग एडिशन में, जो कि कल ही इंडिया में लॉन्च हुए हैं। आप रेडमी बुक ई लर्निंग एडिशन को 40,000 वाले लैपटॉप के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, और जो मैंने बताया था आपको MSI मॉडर्न वाला अपनी 40,000 वाली वीडियो के अंदर, जो कि 50,000 का था, तो उसके अंदर हम रेडमी बुक प्रो को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सेम स्पेक्स के साथ आते हैं लगभग, और काफ़ी अच्छी इनके जो स्पेक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करें बिना चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं रेडमी की ई लर्निंग एडिशन से। तो दोस्तों, काफ़ी बेसिक सा लैपटॉप है वो, और प्राइसिंग के हिसाब से मुझे तो पसंद आया, लेकिन हाँ थोड़ी ज़्यादा है प्राइसिंग इस बात में, थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कम से कम 5,000 रुपये ज़्यादा है इसकी प्राइसिंग इसके स्पेक्स के हिसाब से। खैर कोई बात नहीं, 5,000 ज़्यादा है तो, लेकिन हाँ लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, इसकी कलर्स के फिनिश काफ़ी अच्छा है। तो आपके बेसिक काम के हिसाब से, ई लर्निंग के हिसाब से, और जो घर पे काम होता है नॉर्मल ब्राउजिंग, या फिर आपको वीडियोस देखनी है, कुछ और करना है काम, नॉर्मल सारा काम कर सकते हैं आप, वर्ड पावर पॉइंट मतलब ऑफिस वर्क टाइप बेसिक से सब आप कर सकते हैं। नहीं, अगर कोई हैवी प्रोसेसिंग पे जाएंगे आप, जिसमें आपको एडिटिंग करनी है, आपको कोडिंग करनी है, या फिर कोई और टास्क करना है, या फिर छोटी मोटी गेमिंग करनी है, जैसे आपको इम्यूलेटर के जरिए करनी है, तो उसके लिए भी ये सही रहेगा लैपटॉप। कोई आप हैवी गेमिंग इसके अंदर नहीं कर सकते, हैवी एडिटिंग भी नहीं कर सकते इसके अंदर आप, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं तो वो भी आप इसके अंदर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको हैवी चीज़ चाहिए, तो ये उस काम के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों लैपटॉप अपनी अपनी जगह काफ़ी अच्छे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ई लर्निंग एडिशन से। तो दोस्तों, ये आता है इंटेल कोर i3 के साथ, इंटेल USD ग्राफिक्स के साथ, क्योंकि इंटेल कोर i3 है तो इंटेल के ही इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलेंगे आपको, एक्सटर्नल अलग से ग्राफिक्स कार्ड देखने को नहीं मिलेगा, NVIDIA की तरफ से आता है, और 8GB की रैम है, 512GB की SSD इसके अंदर है। तो SSD इसके अंदर है, इसके दो वेरिएंट्स आते हैं वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। और दोस्तों, इसकी जो स्क्रीन है वो 15.6 इंच की फुल HD वाली डिस्प्ले है, और इसके अंदर 11th जनरेशन i3 प्रोसेसर है, और इसके अंदर आपको 256GB SSD और 512GB SSD वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 1.5mm डीप की ट्रैवल, इसका की ट्रैवल 1.5mm का है, और इंटेल का USD ग्राफिक्स मिलेंगे जो कि इंटीग्रेटेड है, और 10 आवर की इसकी बैटरी लाइफ है, मतलब एक बार चार्ज होने में 10 घंटे तक चलेगा, और 8GB के रैम आपको देखने को मिल जाएगी। और जो ये है रेडमी बुक 15 ई लर्निंग एडिशन, इसके अंदर आपको सीजर मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा कीबोर्ड के अंदर, और 1.5mm का डीप की ट्रैवल है, वो प्रिसीजन टच पैड जो कि आप मल्टी जेस्चर कंट्रोल के साथ उसे यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, चारकोल ग्रे कलर के साथ आता है, काफ़ी बेहतरीन सी फिनिश है इस लैपटॉप की, और 19.9mm थिकनेस के साथ आता है, 1.8 किलोग्राम इसका वेट है। इसकी अगर डायमेंशंस की बात करें तो ये 19.9mm थिक है, और इसकी लेंथ की बात करें तो 363.8mm इसकी लेंथ है, और विड्थ की बात करें तो 243.5mm इसकी विड्थ है। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, इसके पोर्ट्स की बात करें, और एक इसके अंदर आपको चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाएगा, दो USB 3.2 जनरेशन 1 वाले पोर्ट देखने मिल जाएंगे, एक HDMI 1.4 वाला पोर्ट देखने मिल जाएगा। अगर हम राइट साइड की बात करें तो एक आपको लेफ्ट साइड की जो भी साइड है, इसके अंदर आपको एक RJ45 लैंड पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है, इस प्राइसिंग में आपको RJ45 भी मिल रहा है। USB 2.0 और 1 HD कार्ड रीडर और 3.5mm कॉम्बो वाला ऑडियो जैक आपको देखने को इसके अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों, जिसके अंदर आपको रैम दी गई है वो 3200 MHz वाली रैम है, जो कि काफ़ी फास्ट है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और ये था आपका रेडमी बुक 15 ई लर्निंग एडिशन, और इसके अंदर जो आपकी डिस्प्ले है काफ़ी क्लियर है, और Xiaomi क्लेम करता है कि ये एंटी क्लियर है, मतलब ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो आप धूप में भी इसे बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लैपटॉप्स हैं, इनकी ब्राइटनेस कम होती है, तो धूप में आपको विजिबिलिटी थोड़ी कम होगी ज़्यादा सनलाइट के अंदर। और जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं रेडमी बुक ई लर्निंग एडिशन, आप इसका कीबोर्ड स्क्रीन सब देख लीजिए, इसका एक पोस्टर टाइप, और बस ये इसके बारे में।
और हम इसके अब दो वेरियंट्स जो मैंने आपको बताए थे उन दोनों वेरियंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक आपको मिलेगा 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ, और वो जो 256 GB वो SSD आपको देखने को मिलती है। तो ये काम शाओमी ने अच्छा करा है जो रेडमी बुक्स लेके आया है, तो इसके अंदर SSD आपको देखने को मिलेगी, हार्ड ड्राइव देखने को नहीं मिलेगी। रियलमी लैपटॉप्स आने वाले हैं, देखते हैं, वो तो शायद विंडोज 11 के साथ आएंगे। और अभी हम इनके दोनों आपको फीचर्स बताते हैं, मतलब वेरियंट्स। तो आपका जो पहला वेरिएंट है रेडमी वो 15 ई लर्निंग एडिशन का i3 11 जनरेशन के साथ आने वाला, वो है 8 GB रैम 256 GB SSD। उसकी प्राइस है 41,999 रुपीज़। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा वेरिएंट जो है उसका 8 GB रैम 512 GB SSD जो कि है आपका 44,999 रुपीज़ का। और ये दोनों लैपटॉप विंडोज़ 10 होम के साथ आते हैं, विंडोज़ 11 नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर, क्योंकि अभी मतलब टेस्टिंग के अंदर ही चल रहा है वो, ज़्यादा अभी सबको अपडेट नहीं मिला है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रियलमी ने कंफर्म कराया था विंडोज़ 11 के साथ आएंगे उसके लैपटॉप, तो देखा जाए तो सेप्टेम्बर या नवंबर के पास रियलमी के लैपटॉप इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। इससे जल्दी नहीं हो सकते क्योंकि विंडोज़ 11 का स्टेबल होने देना पड़ेगा, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो कस्टमर से नाराज़ हो ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। और दोस्तों रेडमी वालों ने, शाओमी वालों ने एक चीज़ वाली की है, आपके जो फ़ोन है, फ़ोन कह रहा हूँ लैपटॉप है, लैपटॉप में आपको विंडोज़ 11 का अपडेट मिल जाएगा जैसे ही वो अवेलेबल होगा आपके लैपटॉप के लिए। तो दोस्तों उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों अगले लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं जो कि रेडमी वो 15 प्रो, जो कि अच्छा खासा एक बेहतरीन ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप है। बस हाँ, उसके अंदर आप गेमिंग नहीं कर सकते, वैसे काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। गेमिंग के लिए तो आपको स्पेसिफिक चाहिए, मैं तो किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको गेमिंग रिकमेंड नहीं करूँगा, भले वो छोटी हो कि बड़ी। लेकिन हाँ, जैसे मैंने यूट्यूब पर और काफ़ी रिसर्च करी है वेबसाइट्स पर, तो उससे मुझे इतना अंदाजा लग गया कि आप छोटी मोटी गेमिंग जैसे एसफोन लाइन है, जिन्हें ज़्यादा फ्रेम रेट्स नहीं चाहिए वो आप उसके अंदर खेल सकते हो, जिन्हें ज़्यादा ग्राफिक्स की ज़रूरत नहीं है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर अवेलेबल है। जैसे आपका एसफोन लाइन हो गया, अगर आप इम्यूलेटर के जरिए कोई फ्री फायर छोटे गेम आप खेल सकते हो, कार ड्राइविंग वाला कुछ ऐसा आप गेम खेल सकते हो जो कि 1 या 2 GB के अंदर वाला गेम हो, और आप GTA 5, फोर्जा या फिर कोई भी भारी गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटल ग्राउंड्स, आप ऐसे गेम नहीं चला सकते उसके अंदर जिनमें ज़्यादा फ्रेम रेट चाहिए। तो आपका लैपटॉप ज़रूर से हैंग करेगा और ज़्यादा हीट हो जाएगा इस वजह से उसका प्रोसेसर, क्योंकि सारा लोड प्रोसेसर पे होगा, GPU पे नहीं होगा, और GPU क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर है नहीं। हाँ, इंटीग्रेटेड GPU मतलब एक ग्राफिक्स कार्ड है, ज़्यादा बड़ा ग्राफिक कार्ड नहीं है, कोई फैंस नहीं होते उसके अंदर। तो हाँ, आप छोटी मोटी गेमिंग कर सकते हो क्योंकि वो एडिटिंग के लिए एक अच्छा लैपटॉप है, गेमिंग के लिए नहीं है, तो आप एडिटिंग काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। तो खैर, आगे बढ़ते हैं रेडमी बुक 15 प्रो के बारे में। इसमें भी आपको 15.6 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर आपको लेटेस्ट 11 जनरेशन वाला i5 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा 512 GB SSD वाला। और ये मुझे पता नहीं आप अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल स्टोरेज चाहिए तो आप एक्सटर्नल SSD खरीद सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा आप सैनडिस्क की खरीदें, ना कि सैमसंग वगैरह की, क्योंकि सबसे फास्ट सैनडिस्क की ही होती हैं। मेरे पास पेन ड्राइव है, वो भी सबसे अच्छा सैनडिस्क का ही चलता है, कॉपी पेस्ट सब कुछ फास्ट हो जाता है। 8 GB की रैम आपको देखने को मिल जाएगी और 10 आवर्स की बैटरी लाइफ है इसकी भी, और इसके अंदर लेकिन आपको इंटेल के इरिस XT वाले ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने जैसे कहा, एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल गेमिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ऑफिस वर्क तक कर सकते हैं, ऑफिस वर्क के अंदर छोटी मोटी एडिटिंग, लेकिन कोडिंग और भारी एडिटिंग नहीं कर सकते। 1.5 mm का डीप की ट्रैवल आपको इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगा, सीजर वाला। और इसके बारे में आगे बढ़ें तो इसका कलर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी भी वही कलर है, सेम चारकोल ग्रे देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम से देखने में लग रहा है। और ब्रश मेटलिक फिनिश जो रेडमी ने इसे नाम दिया है। इसकी थिकनेस की बात करें तो ये भी 19.9 mm की थिकनेस के साथ आता है, 1.8 kg इसका वेट है। इसकी डायमेंशन भी सेम है, लेकिन हम इसकी डायमेंशन आपको फिर से बता दें, 363.8 mm की इसकी लेंथ है, और जो इसकी विड्थ है वो 243.5 mm की विड्थ है। तो काफ़ी स्लीक और अच्छे लैपटॉप्स हैं। इसके पोर्ट एंड बटन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक चार्जिंग पोर्ट, 2 USB 3.2 जनरेशन 1 वाले, एक HDMI 1.4 वाला पोर्ट, और आपको एक RJ45 लैन पोर्ट, USB 2.0, 1 SD कार्ड रीडर, 3.5 mm कॉम्बो ऑडियो जैक देखने को आपको उसके अंदर मिल जाएगा। एक पोस्टर आप इसका भी यहाँ देख सकते हैं रेडमी बुक प्रो का, लिख रखा है सुपर स्टार्ट वर्क रेडमी ने। तो लैपटॉप ये भी काफ़ी अच्छा है, और इसका जो ट्रैक पैड है उस पर भी आप मल्टी टच मतलब मल्टी जेस्टर्स के आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और दोस्तों इसकी डिस्प्ले भी रेडमी ने क्लेम करी है एंटी ग्लेयर वाली है, मतलब इसमें भी आपको ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, पर ब्राइटनेस इनकी ज़्यादा नहीं होती ना ही पिक्सल पर इंच इनका पीपीआई ज़्यादा होती है, तो धूप में ज़रूर आपको विजिबिलिटी कम होगी। छाव वाले एरिया में आप बैठ के घर के बाहर देखेंगे तो भी आपको दिक्कत होगी, पर इतनी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों ये बिग स्क्रीन है और एंटी ग्लेयर है, ये शाओमी ने लिख रखा है जैसे मैंने आपको बताया, और कीबोर्ड इसका काफ़ी अच्छा है, 1.5 mm की ट्रेवल है और वो सीजर वाली ट्रेवल है जैसे आपको उस वाले में देखने को मिलती थी जो ई लर्निंग वाला एडिशन था जो अभी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये था रेडमी बुक 15 प्रो। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों यह आपको मिलता है 49,999 रुपीज़ का, मतलब 50,000 रुपये का। इसमें आपको एक ही रेंडेज मिलेगा i5 वाला जो कि 8 GB रैम एंड 512 GB SSD के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसके अंदर भी आपको विंडोज़ 10 होम ही देखने को मिलेगा, और Xiaomi और Redmi क्लेम करते हैं कि आपको जब भी विंडोज़ 11 का अपडेट अवेलेबल होगा तो आपको लैपटॉप में मिल जाएगा। और एक ज़रूरी बात, लैपटॉप हो आपके पास PC हो, अभी अगर आपको विंडोज़ 11 का अपडेट आ रहा है क्लिक करिए तो आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वो फ्रॉड चल रहा है आजकल। अगर कंपनी तरफ से आपको आता है सेटिंग्स के अंदर जाके तो आप कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले पूरे लैपटॉप का बैकअप ले लेना, डेटा सेफ रखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Cause I just wanna go to the deep.